हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इलस्ट्रेटर में सी टाइप कलेक्टर लोगों को कैसे बनाते हैं। अगर आप ग्राफिक्स से रिलेटेड जुड़े हुए तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप देख रहे हैं, मैंने इलस्ट्रेटर प्रोग्राम चालू कर दिया है और यहाँ पर मैंने दो कलर ले लिए हैं पहले से। उसका मैं बाद में कैसे यूज़ करना है वो दिखाऊँगा। सबसे पहले हमको लेटर सी लेना है और इसको थोड़ा बड़ा करके कौन चूज कर लेते हैं, इसका कौन सा है, मॉन्स्टर बोल्ड। ओके, सब ओके है। इसको हम क्रिएट टू आउटलाइन कर लेते हैं। बाद में हमको इस सर्कल का यूज करना पड़ेगा। कौन सा सर्कल कहाँ पे रखना है वो सब ध्यान रख के करना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पे इक्लिप्स टूल और शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो सर्कल बराबर हो जाएगा। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। अभी इसको कहाँ यूज करना है उसको मैं कंट्रोल वाई आउटलाइन मोड में चला देता हूँ तो अच्छी तरह से हमको मालूम पड़ेगा कि कब कहाँ टच हो रहा है वो। थोड़ा कंट्रोल प्लस दबाऊंगा तो बड़ा हो जाएगा। ये हमने पहला सर्कल का अरेंजमेंट कर दिया है। अभी दूसरा सर्कल मैं अल्टर प्रेस करूँगा तो उसका एक कॉपी ले लूँगा। कॉपी मिल जाने के बाद इसको मैं यहाँ पे टच करवा दूंगा। इसके साथ टच हो जाएगा तो हमको बराबर मालूम पड़ जाएगा ओके है कि नहीं। अभी हम तीसरा सर्कल ले लेते हैं। इसको अल्टर की प्रेस करूंगा तो तीसरा सर्कल आ जाएगा और इसको हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे। और ये तीसरा सर्कल को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, मतलब हमारा ये एक सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया यहाँ पे, ये तीसरा हो गया, एक चौथा हो गया। चलिए अभी कंट्रोल वाई से मैं आउट फील्ड मॉल में आ जाता हूँ और सबका अलग अलग कलर दे देते हैं। इसको मेरे को थोड़ा कंट्रोल वाई में जाता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आपको खास ध्यान रखना होगा कि बराबर टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है इससे। इसके लिए मैंने दोबारा चेक कर लिया है कंट्रोल वाई और ये वाला थोड़ा आप ले लेता हूँ तो हमको मालूम पड़ेगा कहाँ टच हो रहा है काफी में। अभी फिर कंट्रोल वाई प्रेस कर लिया है, अलग अलग कलर दे देता हूँ फटाफट से। फिर सब सिलेक्ट कर देता हूँ और इसे बिल्डर टूल फटाफट सब माइनस कर देता हूँ पहले की तरह, जैसा था वैसा ही कर देता हूँ। इसको हमको रिमूव करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। इसको रिमूव कर देता हूँ और ये दो पार्ट चेंज कर देता हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो एक जैसा लग रहा है हमको पहले जैसा ही, कुछ डिफरेंट तो हुआ नहीं।
तो अभी हम कलर देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा क्या डिफरेंट हुआ है नहीं। यहाँ पे मैं लाइट कलर दे देता हूँ ये वाला। अभी ये पार्ट है वहाँ पे हम ग्रेडियंट कलर देंगे, तो यहाँ पे ग्रेडियंट में ये चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे डार्क रहेगा, यहाँ पे लाइट रहेगा। तो डार्क कलर में हमने पहले से मैं बोला ही था कि मैंने चूज करके रखा है, तो ये कलर चूज कर लेंगे। इसका कलर कोड दिखा देता हूँ 37358D। इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आप जब RGB में जाओगे तो आपको यहाँ पे कोड डालना रहेगा। मैंने एक डाल दिया है, यहाँ पे क्लिक करने का है, RGB सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कोड डाल देता हूँ वही। और दूसरा जो कलर है उसका कोड है 00A9DF, उसको कॉपी कर लेता हूँ। ये पार्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, वहाँ पे डाल देता हूँ, RGB में जाता हूँ और ये हो गया हमारा। अभी ये वाले पार्ट को हम इसको ही ले लेंगे, लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लाइट डार्क लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा रिफ्लेक्ट कर देंगे इस टाइप का अभी। और यहाँ पे हम डार्क कलर डाल देंगे ये वाला। तो हमारा ये कलरफुल सी टाइप का लेटर लोगो और 3D टाइप का बन गया है। अगर आपको ये दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।